यहाँ पर प्रीतम भाई जो हमारे बीच आज पहुँचे हैं, बहुत समय दिए हैं इन्होंने हमें, तो इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो तालियां बजाएं भाई सभी। और मेरे तो भाई राम राम सारे भैया ने, राम राम भाई राम राम है, राम का नाम ले, अरे राम का नाम लेना भी शर्म है। राम 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 सारे ठीक हो भाई? प्रैक्टिस किसी हुआ एकेडमी में? बढ़िया हुआ है। डाइट डू इट, सोना खाना बढ़िया चल रहा है, स्कूल का माहौल किसा है? बढ़िया है। आगे लग रहा है आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, हो सकता है जिसकी आवाज़ ना आ रही भाई वो उसका ना हुआ होगा। बोलिया करो, ऐसे बोलो। तो भाई मैं प्रीतम नागर गांव पीपली से, और तो भाई मैं भी एक रेसलर रह चुका हूँ। तो भाई मैं भी छोटा सा जाने लग गया था, कुछ मेरी भी हिस्ट्री है लेकिन घनी लंबी हो जाएगी। मेरा बचपन से शौक था, जैसे कि मैं था 8-10 साल का, तब से मतलब कई बार ऐसा होया करता आगे मेरा नूरा करता, मैं उरा देख देख कर मेरा पहलवानी का मतलब बचपन से शौक बहुत ज़्यादा रहा है। कहीं भी दंगल होता, पापा साइकिल रखते थे उस टाइम में, तो साइकिल पर कहीं भी दंगल होता मैं वहीं पर जाता। जो मैं करता नहीं लेकिन मैं देखना जरूर जा करता। प्रोटीन चला लो, आम बात है प्रोटीन है भाई, आपकी जो खाने पीने से पूर्ति नहीं होती उस तक पूर्ति हो जाएगी। अपना आगे बढ़ो भाई, अपना भविष्य देखो, आपके माँ बाप कितनी आप पर मेहनत कर रहे हैं। मैं तो भाई किसी कारण मतलब नहीं आगे जान पाया, लेकिन मेरी सोच थी कि भाई मैं जितने भी गेम वाले हैं, पहलवान बॉक्सर कबड्डी वाले हैं, ज़्यादातर भाई बड़े बड़े पहलवाना का भी और बॉक्सर का भी इंटरव्यू ले चुका हूँ भाई मैं। और आगे भी मेरी इच्छा कि भाई बड़े बड़े लेवल पर जाऊँ और अपने अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाऊँ। आप भाई अच्छी गाइडलाइन मतलब हो, अच्छा सीख लो मेरे चैनल पर। गणखरे माँ बाप हैं, उसी वीडियो आ जाएगी, उसने देखकर राजी रहेंगे, लेकिन जो आपके बच्चे ने शिक्षा देव है या इस तरीके से आपका बच्चा नॉलेज मतलब अच्छी नॉलेज मिले, ये तो आपके बच्चे ने नहीं दिखा रहे। बच्चा कार्टून देख रहा है, उन ना दिखा दिखा कर राजी होगी, देख मेरे बच्चे ने फ़ोन चलाना आ गया। आज का टाइम बहुत गलत हो रहा है। अश्लील वीडियो आज कोई भी आ जाएगी, लड़की नाच रही है, कुछ भी आ रही है, उसमें क्या है, बच्चे को गलत तरीके से मतलब कि एक वो हो रहा है और उसके दिमाग माइंड इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं भाई वो अच्छी चीज़ जंग आ जाता है कौन है। और भाई गणखरे माँ बाप तो कहूँगा ये हैं असली बच्चे जो कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भाई करेंगे आगे जाकर। कोई एयरफोर्स में लगा, कोई नेवी में लगेगा, कोई सीधा हौलदारी तय भर्ती होगा, कोई DSP बना, कोई SP बनागा, इन मत है। तो भाई यो इनका ब्राइट फ्यूचर है, जो आपके बच्चे हैं जो फ़ोन चलाए जहाँ आंधे हो लिए वे दंता पहला, उनका भविष्य कुछ ना है। कदे आप ये उम्मीद लगा रहे हो अपने बच्चे है, हमारे बच्चे हो भाई 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, इतने रैंकिंग में नंबर आ गए, वे कुछ नहीं करना भाई, उन्हें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उनका बचपन तय दिख जाया करे। तो भाई शिक्षा और मेहनत वो श्रेणी का दूध है, जो पीवेगा वो दाड़ेगा। अपना मेहनत करा करो, अब भाई गलत संगत में मना बैठे रहो, क्योंकि भाई बॉक्सरा का और पहलवाना की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आ गया है। गणखरे का नहीं करा, बोला भाई मेरा दोस्त बॉक्सर है, लड़ाई हो जाए, लड़ाई में बुलाऊंगी फ़ोन कर करके। आपका भविष्य ख़राब है भाई इसमें, और किसी का भविष्य ख़राब कौन है? इब कई बार मारे भर के लगा ले उड़क खाड़े मरा आकर दे, इब किसी यार दोस्त का फोन आ जाता है, फलाने मेरे चाचा के ला हो रही है आ जाओ उन्हें, उड़ो हॉस्टल में तो बाजे जाते हैं, लेकिन उस टाइम दिमाग ना आकर था, कोई समझाया ना था, क्योंकि संगत भी इसी यार दोस्ता की देखा देगी जो कि गलत तरीके से वो करा करते। पहलवाना ने बॉक्सरा ने बुला कर भाई रोलिया में, तो गलत तरीके से गाइड करा है पहलवाना ने भी, भाई ये करे भाई मेरा दोस्त बॉक्सर है, नू कर देंगे, ये कर देंगे, तो कद आज ये टाइम दर दें, ये बहुत गलत बात है। ऐसे यार तो कभी भी नहीं बनानी चाहिए। एक तो जो 24 घंटे बिजनेस लाइन की बात करता हो या कोई गेम खेल की बात करता हो या पढ़ाई के संपर्क में रहता हो, वो बच्चे के संपर्क में रहा करो। ऐसे दोस्त तो बनाने नुकसान है मेरे भाई, आपके घर क्या का भी रहा, आपका भी नुकसान है, नुकसान है। तो अपना गबड़ हो और अच्छे अच्छे जो कोच हैं इनकी इज्जत करा करो भाई। भगवान तो वो सब नवेरा भाई, भगवान तो किसे देखा को ना, लेकिन मूर्तियाँ की भाई हम पूजा कर रहे हैं वो भी के है, एक अंधविश्वास भी लगा ले और भाई हमारी आस्था भी लगा ले हिंदू समाज की, क्योंकि हमने तो किसी ने ना देखे भगवान। भगवान कौन हो? अपने माँ बाप और अपने कोच, क्योंकि पैदा माँ बाप का हुए हैं, शिक्षा इन भर के कोच दे रहे हैं जो कि अपना भाई नौकरी सारती दवाए हैं। गणखरे ऐसे ऐसे परिवार दपाओगे जिनके नू जा अगले महीने की फीस क्यों कर देंगे कोच ने, शुक्ल की फीस किस तरीके देनी है, कौन है बेरा भाई, दाड़ी मजदूरी भी कर रहे हैं। गणखरे बार तो माँ बाप ने सोचा है छोरे न खवा दे, मेरा मन्ना चोपड़ा रोटियां ने छोरे न खवा दिए। तो गणखरे माँ बाप है जो कि बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचे हैं, लेकिन वो है बच्चा के करा है यार दोस्ता की संगत, माँ को लड़ाई झगड़ा बढ़ जा है, को केस लाग जा है, माँ बाप के सपने चूरम चूर, वे इसे बेचारा ने मेहनत करी और वह कोई काम नहीं आई।
तो भाई नालायक बच्चे मत ना बनो, अच्छे बच्चे बनो। और कोचा की इन भाई जितने भी इनके चरण धो धो का पियोगे ना उतने कम है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप धमका देना आज के काल के बच्चा क्यों हुआ है, माँ बाप के साथ में अच्छी तरीके से भाई माँ बाप हो गया कोच हो गया गणकर कह दें स्कूला में मजाक बनाकर मास्टर कोचा का अग साड़ा कई बार वो उस तरीके से बोले आ रहा है यो मेरे पीछे लग गया रहा है इसका बेरना क्यों हो रहा है, वो क्यों पीछे लग रहा है। जो अनपढ़ बालक होगा उसके पीछे लग गया पाओगा हमेशा, एक बात आपने देखी भी हो, जो नालायक बालक होगा उसी के पीछे लग गया रहा, कोई मास्टर हो गया कोच हो गया या बाप हो गया। और जो अच्छा बच्चा होगा उसने कहते मोनीटर पटता देखा है, कभी नहीं पढ़ता दिखा क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो दिन रात आप तो डबल मेहनत कर रहा है इसलिए वो पढ़ता नहीं, वो छकता नहीं या पीछे नहीं रहता। और वे बच्चे कामयाब हुए हैं जो अच्छी संगत में बैठे हैं। तो भैया है अपनी दिनचर्या बनाओ भाई, इस टाइम उठना, इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना तो सोना है। कोई यार दोस्त का फोन आ जाए बुआ फूफा का, माँ बाप तो सोप देख ठीक है मैं मेरी सोने का टाइम हो रहा है जी मैं सोऊंगा, बस सुबह उठा जिस टाइम भी हो अपना उठना, उठकर अपना मेहनत करो, अपना खा पी के स्कूल में पढ़ाई करो, जिस भी आप तब शिक्षा प्राप्त हो उसी प्राप्त करो। तो भाई ये चीज़ है, मेरा तो कुछ ना कुछ इंजरी ज़्यादा होगी थी इस कारण मैंने छोड़ दी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सोचा मैं कहा भाई नहीं भाई अब कर मैं पहलवान नहीं बन सकता तो इन बच्चे की आवाज़ तो उठा सकूँ। और अपना दिखाई भी दे रहा होगा अगर भाई आप देखते भी होगे भाई गणखरे इंट्रो वाले हैं वे कोई मॉडला का इंट्रो लेने जा रहा है तो को राजनीतिक खड़ा में बढ़ रहा है, पहलवाना ने और बॉक्सरा ने कौन रिप्रेजेंट करा, कोई करा है अकेडमी में कितनी बार आ ली है मीडिया वाले, कोई खास नहीं आए होंगे ना, कोई खास इस तरीके से आपकी वीडियो बनाई होगी जिस तरीके से माई बरिया आऊँगा भाई बनाऊँ भाई इतनी खुल कह भाई जिस अकेडमी में जाऊँगा भाई उसे की तारीफ करनी, क्यों तारीफ का भाई वाक्य में कोई भी कोच खराब नहीं हुआ। अगर एक खाड़े में चला गया मैं, उस खाड़े में क्या होया एक बालक था ना बोला बोला भाई मैं क्यों छोड़ कर आ गया भाई फलाने खाड़े में था मैं पहला, मैं उस खाड़े में क्यों हो गया फिर उसमें कोच बढ़िया ना था तो उसमें कोच की गलती है कि उसकी पहलवानी की गलती है, तो पहलवान ने की हो ना ये मान संदीप को साहब आड़े तक चले जाओ ठीक है, ये दौरे तो आप चले जाओ कितने भी, या आप इस तक कट्टो या आपने ला गया भाई संदीप को साहब मारी गला थोड़ा भेदभाव करे है तो आप इसकी बुराई करोगे, तो कमियाब में है ना वो किस तरीके से आपका मारा किस तरीके आप समझा रहा है वो आप में गलती है वो आप किस तरीके से समझ रहे हो, थोड़ा अपना भाई बढ़िया तरीका वो करो और अपना आगे बढ़ो भाई, मैं तो किसी कारण ना बढ़ पाया आगे भाई आर्मी में गया मैं ट्रायल देने भी गया मैं उसकी भर्ती की जबलपुर गया अहमदनगर गया, एक बार मेरी किस्मत साथ ना दी भाई क्योंकि मेरा एक डॉक्यूमेंट से घर नहीं रह गया था जैसे कि राम राम भाई सारे ने तो एक सरप्राइज भाई राहुल फोगाट जी हैं हरियाणा स्टेट के बहुत अच्छे आरजे रहे हैं और जल्द ही बीएफआई का टेस्ट क्लियर करेंगे ऐसी हम आशा करते हैं। तो कुछ बातें चल रही थी पहुँचने पे बहुत अच्छा करने लगा भाई, जो संदीप लाखी कोच साहब ने बच्चों की मेहनत करा रखी है और अब भी इन पे इतना ध्यान दे रहे हैं इनको इतना टाइम दे रहे हैं ये देख कर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा इन सेंटर चल रहा है, हम आशा करते हैं यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट निकले बच्चे और बहुत मेहनत करो बेटा, मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। बिल्कुल ओके ठीक है राम राम भाई।